हेलो गाइस, दिस इज मी रेवानस। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं दो दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज सब चले गए थे, घर में कोई भी नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था सबके बिना, मतलब इतने दिन हो गए सबके साथ रहे हुए, तो उनकी आदत पड़ चुकी थी। अब घर में कोई नहीं है, मैं और अम्मी हैं सिर्फ। मेरा भी मतलब अभी रूटीन में आ रहा है सब कुछ। मैंने अभी बस जस्ट मगरिब की नमाज़ अदा करी है। अभी वक्त हो रहा है 7:20 और अनस अभी काम से बाहर गए हुए हैं और आज हमें जाना है रिसेप्शन में, मतलब मेरी साइड उधर, मतलब मेरी कॉलोनी में, जो मेरे मैके वाली कॉलोनी है उधर से इनविटेशन आया है, तो रिसेप्शन में जाना है। अनस अभी बाहर गए किसी काम से है, तो अब बस अब मैं नमाज मैंने अदा कर ली, अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए। और सब थे घर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, भरा भरा था घर, अब कोई भी नहीं है तो बहुत सुनसान हो गई है। बस लेडीज़ में मैं और अम्मी हैं जो कि रहते ही हैं मतलब, लेकिन सब थे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था उनके साथ। अब देखो लेट्स सी वो कब आते हैं, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मिस यू सो मच। सो गाइज, मैं ये वाला आउटफिट पहन रही हूँ, ये है कुर्ता, ये है इसका दुपट्टा, बॉटम भी वाइट कलर का हो, और ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। मेरा मन कर रहा था वाइट पहनने का, मैंने बहुत दिन से ये वाला सूट पहना नहीं था, तो मैं पहनती हूँ। अरे गाइज, मेरा वेट जो है वो थोड़ा लूज हुआ है रमज़ानों में, और मैंने खुद से भी थोड़ा ध्यान रखा था अपने वेट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अभी मुझे थोड़ा और लूज़ करना है। तो जो भी मेरे पहले के सूट हैं वो मुझे लूज़ आ रहे हैं, तो मैं देखती हूँ पहन के कि ये लूज़ कितना हो रहा है। अगर ठीक आएगा, थोड़ा बहुत होगा तो मैं फिटिंग नहीं करूँगी, अगर ज़्यादा लगेगा मुझे तो मैं इस पर फिटिंग करूँगी। और गाइस, लोग कहते हैं कि फैसल को व्लॉग में लिया करो, उन्हें अच्छा लगता है व्लॉग में लेना। तो ये गया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ बाहर, मतलब कहीं गया था ऐसे घूमने के लिए, लोगों ने पिकनिक, मतलब पिकनिक जैसा करा था, चिकन वगैरह लेके गए थे, वहाँ जाके बनाया। इधर तो देख, लोगों को अच्छा लगता है तुझे देखना व्लॉग में, लड़कियों के कमेंट आते हैं। इधर देख, मुझे कमेंट आए थे दो लोगों के कि फैसल को व्लॉग में लिया करो, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसकी है या नहीं है, ये खुद जवाब देगा बता। सुन लिया आपने, ये कह रहा बहुत है, तो बहुत है फिर जब कह रहा है। तो मुझे कमेंट आया था दो लड़कियों का, मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन हाँ, कि फैसल की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं उसे व्लॉग में लिया करो। तो ये अभी ऐसे बैठा था, तो ये अभी आया था, तो मैंने देखा तो मैंने इसे व्लॉग में ले लिया। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अनस अभी काम से बाहर ही है। और गाइज ज़रा ये देखिए, ये इनके ज़रूरी काम है, और मेरे पास ये क्लिप आई है, मुझे भेजी है किसी ने जो मुझसे कह के गए थे ना, ये मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, ये काम है इनके, ये मतलब वो रेडी ही हैं, वो सीधा वहीं आ जाएंगे जहाँ हमें जाना है, और मैं वहाँ जाके कोई शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, अनस होते तो वो कर लेते, अगर पीछे मौका लगा तो कर लूँगी, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेना आप लोग, बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट, सब लोग रेडी हो गए हैं। सो गाइज, मेरा फुल लुक देखें, बताना कैसा लग रहा है। और गाइज, ये है हमारे दूल्हा दुल्हन, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है। सो गाइज, आ गए हम शादी में से, इधर तो आओ एक मिनट, अनस से तो आप लोग मिले ही नहीं हो, मैंने इतना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, और अनस से क्या लाए हो, क्या लाए हो भाई साहब, ये जो है ना बहुत लोगों ने टोक दिया मुझे, कलर दे, तो आज जो है ना, आज बिल्कुल ऐसे बंदे ने टोका है कि ग्रीन टी शर्ट तो मैं पहनूंगा ही नहीं, तो भाई मैं ले आया। किसने टोक दिया? अच्छा हो जिसने भी टोका, बहुत अच्छा करा। देखो मैं भाई, अब जो मैं कल से ना वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से जो मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो भाई ये मेरे वर्कआउट के लिए है, एक ये भी वर्कआउट के लिए है, अच्छा टोका किसने, तो बता दो, बस टोक जाए मेरे दिल पे लग गए जिसने टोका, भाई मुझे जरा कमेंट में बताना है किसने टोका है उसको। ये मैं लाइट कलर की जींस लेकर आया हूँ, और जैसे कि ब्लैक मेरा फेवरेट है, शॉपिंग कर ली आज, मुझे तो नहीं कराई, जितना ये व्हाइट इनका फेवरेट है, ये गंदा भी उसी हिसाब से करेंगे, काला बना देंगे इसे। ब्राउन मुंडे जो मेरा ये है, तो भाई आज जो है अपना काम हो गया, ओके हो गया बिल्कुल, अब जिम तो जाऊंगा नहीं मैं, बस ले आया मैं ऐसी मजे मजे, और बस भाई आप बस दुआ करें कि मैं ये अब इससे ज्यादा मोटा ना हूँ, मैं बस इतना ही मोटी हूँ, जिम में तो मैं जाने वाला नहीं, और ट्राई कर लूंगा चले गए तो, ये कपड़े वपड़े तो आ गए भाई, बस आज तो शादी में, और आजकल तो भाई ब्लॉगिंग यही कर रही है क्योंकि मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह अच्छी लग रही है आप, वे अपनी यहाँ गई थी शादी में, तो बस
मतलब इनकी मेरी ससुराल में शादी थी, मतलब ससुराल में नहीं थी, हमारी नियर बाय पड़ोसी था, तो बुलाया था, तो पड़ोसी से थोड़ा मतलब एक दो घर छोड़ के पड़ोसी होता है। हाँ चलो ठीक है। तो बस ये शादी में गई थी आज मैं भाई, मैं अभी शॉपिंग में था, ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग बस। और बिल्कुल देसी वाला खाना, मतलब जो आम खाना होता है, आम खाना नहीं भाई, सबसे बढ़िया जो खाना होता है कोरमा रोटियों में, मजा आ गया, मजा आ गया। और भाई साहब बिल्कुल मजा आ गया खाने में, मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाया, मैंने भी थोड़ा ही खाया, मेरा ना वो KFC की पूरी बकेट मैंने खाली बैठी हुई, वहाँ तो पेट मेरा वो हो गया था ना, मतलब मैंने डाइट वाला सिर्फ रोस्ट रोस्ट ना, मैंने की डाइट पे हूँ तो इसलिए बस वो खा लिया था ग्रीन सैलेड के साथ, और बस अल्लाह तेरा शुक्र। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भाई, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, व्लॉग करना है अभी। अच्छा तुम्हें करना है, ये सवाल ही वही, मैं तो हो गया मेरा थोड़ा सा ही तो हुआ है, अभी हुआ ही कहाँ है कुछ सब मुझे नहीं पता था ना। हाँ अभी हम जा रहे हैं, देखो इंदिरा कॉलोनी जा रहे हैं दादी के घर पे, वहाँ आपको हमारे सब मिले। जैसे मैं स्वीट्स नहीं खाता था ना, मेरा पता नहीं इतना मन स्वीट्स खाने का हो रहा है, मैं मार्केट में कहीं भी होता है रुक के मतलब जाके खा लेता हूँ मैं, और अभी नहीं खाना है। और अभी मैं चंदूसी गया था परसों, तो अनस वगैरह तो खाता ही है इतनी, और मैं नहीं खाता, तो भाई मैं गया कह रहे आज तुझे क्या हो गया, और मैंने भाई दो रसगुल्ले और रसमलाई, मतलब चंदोसी यार मुझे ना मिठाई बहुत पसंद लगती है, पसंद है मुझे, और मैंने भाई दबा के भाई पता नहीं किसकी संगत का मुझे यात्रा आ गया जो मुझे गाइस मैं आ गई हूँ इंदिरा कॉलोनी, और नमीरा कह रही है मैं अपने हाथों की आपको चाय पिलाऊंगी क्योंकि बहुत टेस्टी चाय बनाती है। आपने समोसे देखे थे ना, कितने अच्छे यम्मी समोसे बनाए थे इसने, खैर खाए तो हमने थे लेकिन आप तो सिर्फ महसूस मतलब देख ही सकते हैं। तो बनाएगी चाय वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए। ये जो आप करते हैं बस बालों का, ये मुझे आप बहुत स्मार्ट लगते हैं ऐसे करते हुए। गाइस नमीरा ले आइए चाय बना के, देखिए देखो कैसे कलर कैसे, हाँ चाय तो अच्छी लग रही है गोरी। सो गाइज मैं आ गई हूँ इंदिरा कॉलोनी से, अभी वक्त हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं, और जो मैं वाइट वाला सूट पहन के गई थी वो मेरे लूज हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, जो मोटा होता है फिर पतला होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मतलब महसूस होती है अंदर से। तो बस इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय अल्लाह हाफिज। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 2, तो रात के 2 बज रहे हैं, तो इन मैडम को हुई थी मैगी खाने की क्रेविंग। भाई मैं आप देख सकते हैं अभी देखा मैं भाई पूरे जिम उस पे हूँ, और ये जानती हैं कि अरे भाई यार अगर मन है तो खा लो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ी सी भूख थी तो अनस बोला मैं भी खा लूंगा, झूठ साहबा झूठ अल्लाह से डरे हैं, थोड़ी सी ही खाऊंगी। इस बंदी ने बनवाई है, मैं बहुत थका हुआ था सुबह से, मैं बाहर था, इस बंदी ने मुझसे बनवाई है, और उसके बाद नाम एहसान नहीं है, मैं वेट लूज पे हूँ। हाँ वेट लूज पे हैं ये देखे आप बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, खा लो मैंने पकड़ो मैं यार। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय अल्लाह हाफिज। मैं एंडिंग दे चुकी हूं। ये उसके बाद आ गई ना, अभी तो मैंने शूट नहीं करी, मैं वहाँ बना रहा था हिट उसके गैस के आगे गर्मी में खड़े होके, मैं देख सकते हो कितना पसीना आ गया है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। और बस अब इनके लिए तो जान आ दे रहे इन्होंने एक जरी सी मैगी क्या मांगी। गाइस देखें अभी जो ये कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी, तो देखें पूरी चट कर गई है, जो कि मैंने बहुत फटाफट मैगी बनाई थी, जो ये कह रही थी कि तो ये तुम खाओगे तुम्हारे लिए मैं एक दो बाइट लूंगी, बट इन्होंने खाई। हाँ मैंने खाई है बिल्कुल, मैंने खाई है, तुमने कहाँ खाई है? तो अभी दी इन्होंने मुझे। हाँ बिल्कुल मैंने कहा, तुमने कहाँ खाई है? तो बस आप देखें, आपने देख लिया होगा भाई टाइम लैब में, आपने देख लिया होगा वीडियो मार दे। अब पता चलेगा ना कितनी झूठा बन कर रही हो तुम, मेरे पर ब्लेम डाल रही हो, सब कहते हैं मैं मोटा हो रहा हूँ और तुम मेरे पर सारा वो कर रही हो। गाइस कमेंट में बताना मैं पहले से पतली नहीं हो गई हूँ अभी क्या? गाइस आप ये लोग बताना कि ये पूरी मैगी में अभी भूख लग रही थी तो मैंने खाई। हाँ तो मेरे पर क्यों कमेंट है ये बताना, कमेंट करना, बहुत सारे कमेंट किया करो गाइस, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, कि ये बताना कि मैंने वेट लूज किया ही नहीं किया, मैं पहले से स्लिम लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। और भाई देखो खा गई है, इसके बाद भी नहीं रुक रहा, तो बस चलो मिलते हैं यार भाई, अल्लाह हाफिज़।